नूई जिले के नए गांव के मोहम्मद इरशाद पुत्र तैयब हुसैन पिछले 4 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। गत 24 फरवरी को वतन वापसी की फ्लाइट का टिकट था, उसी दौरान एयरपोर्ट पर ब्लास्टिंग की वजह से हवाई अड्डा बंद हो गया था। इसी वजह से हवाई जहाज की उड़ान बंद हो गई, जिसकी वजह से अपने वतन नहीं आ पाए। मदद के लिए भारत की एम्बेसी छात्र गए थे। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए LAC के नजदीक प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट किया गया है, जिसमें करीब मेवात के 10 बच्चे वहां पर मौजूद हैं। कुछ बच्चे मेट्रो बेसमेंट तो कुछ कॉलेज में फंसे हुए हैं। लगातार परिवार के लोग अपने बच्चों के संपर्क में हैं, लगातार बातचीत हो पा रही है। परिवार के लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे वहां पर परेशानी में फंसे हुए हैं, उनके लिए खाने पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। परिवार के लोग अपने लाडले की शक्ल देखने के लिए बेचैन हैं। वहीं अभिभावकों के मुताबिक बीते दिन सरकार ने मदद के लिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जारी की थी, लेकिन अभी तक परिवार के लोगों को उससे कोई मदद नहीं मिली है। इतना ही नहीं, सरकार ने मदद के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया था उसका उठाने को कोई तैयार नहीं है, जिससे सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। कुल मिलाकर अभिभावकों ने गंभीर आरोप केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लगाए हैं। परिवार के लोगों ने PM नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विदेश मंत्री अपने बच्चों को वतन लाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मढ़िया की गांव के 2 बच्चे बाजित मोहिन मोहम्मद अरवाश निवासी सलम्बा के अलावा विछौर गांव का छात्र भी यूक्रेन में फंसा है। मेवात जिले के करीब 60 से 70 छात्र यूक्रेन में अलग अलग जगह संस्थाओं में फंसे हुए हैं। अब हर कोई इन बच्चों के सकुशल वतन वापस लौटाने के लिए दुआ कर रहा है। भाई साहब, जो हालात है वहाँ से चल दिया, वह रेल स्टेशन पे आ गए कि जंगल में, वहाँ लॉकडाउन लग गया, कोई बच्चा फंस गया वहाँ, ना जा ना पाया ना रह ना पड़े। जो एयरप्लेन करी ही मैंने झट कैंसिल कर दी टिकट करा, उन पे खाना पीना कुछ नहीं है, परेशान है, पैसा भी नहीं है, सारा लड़का सब परेशान है। अभी बेटे से बातचीत की है, करी बच्चा ने मायूस हुआ पड़ा है। मायूस पूरा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यह चाहते हैं हमारा बच्चा अपने घर पे आ जाए सब। सरकार उसको कहा तुम कुछ मदद करे खाना पीना का। मेरे बच्चा 5-6 महीने हो गए यहाँ से। क्या नाम है जी आपका? वाजिद अली। मेरा छोटा भाई यहाँ से लगभग 4 साल पहले MBBS करने गया था, 1 साल अभी गया था, अब 6 महीने पहले वो यहाँ से गया है। ऑनलाइन क्लासेस थी पहले उनकी, ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई, वो ऑफलाइन कर दी गई है। उसके बाद उनको वहाँ जाना पड़ा, तो अब वहाँ जाने के बाद अब वो जैसे वहाँ पे अब्दुल हुआ है, यूक्रेन रूस ने, रसिया कंट्री ने जो यूक्रेन पर जो हमला किया है उसकी वजह से उनको यहाँ बुलाया गया था हमने, तो बुलाने के बाद उन्होंने टिकट कराया अपना। टिकट कराने के बाद उनको यहाँ आना था, तो वो एयरपोर्ट पहुँचते कॉलेज से तो फ्लाई एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गया, मिसाइल दाग दी गई, तो पूरी एयरलाइन क्रैश कर दी गई है। तो वहाँ से उनको फ्लाइट जो इंडिया की थी वो वापस आ गई। पहले क्यों नहीं आ पाए, क्या वजह इसकी रही? पहले आने का रीज़न ये था कि भाई ने सोचा कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आगे जाकर रेट और कम हो जाए, क्योंकि फ़्लाइट का जो था लगभग 20,000-25,000 के आसपास का टिकट होता था, तो अब वो टिकट हमारा हुआ है 70-80,000 के आसपास का। तो अब मिडिल क्लास फैमिली हर बजट को अपना देखती है, उस एतबार से 70-80,000 रुपये ज़्यादा थे, फिर भी हमने 50-55,000 रुपये में जो टिकट हुआ है वो अफोर्ड किया है, वहाँ से निकले अपने। और इंडिया गवर्नमेंट ने अभी उसके रिगार्डिंग हमें किस तरह की कोई मदद अभी तक नहीं की है। हम इंडिया गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमें वहाँ हमारे भाई को वहाँ से निकाला जाए और वहाँ पे खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनको वहाँ खाने पीने का उचित सामान नहीं है। जो उन पर खाने पीने का बिस्किट वगैरह जो थे वो भी उन पर ख़त्म हो चुके हैं, बाहर से कुछ मिल नहीं रहा है। तो इन बार है कि हमारे भाई को पहले वहाँ खाने पीने का इंतजाम किया जाए, दूसरा उनको वहाँ से अपने स्वदेश लौटने का प्रयत्न किया जाए। मैं अपने हरियाणा गवर्नमेंट से और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग करूंगा कि स्थिति को कंट्रोल में करने का तरीका निकालें, क्योंकि हमारे इंडिया के मेरे भाई के साथ साथ अपने मेवात के भी हैं, अपने हरियाणा के भी हैं, और हिंदुस्तान के लगभग 20,000 के आसपास बच्चे वहाँ हैं जो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपने भाई से बातचीत की है, क्या उनसे संपर्क हो पा रहा है? मेरे भाई से बातचीत लगातार जारी चल रही है, बाकी खाने पीने का जब बात सुनता हूँ तब थोड़ा इमोशनल होना पड़ता है मेरे को। किस तरह के हालात हैं, क्या बताया? वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो कैसे परिवार यहाँ पे परेशान है? बस आस लगाए बैठे हैं कि हमारा भाई अब आएगा, सुबह आएगा।
अब क्योंकि गवर्नमेंट अब हमें मदद करेगी, कोई अपना फ्लाइट प्लेन भेजेगी या फिर किसी दूसरे कंट्री से उनको निकाल के कोई सोल्यूशन निकालेगी, ये गवर्नमेंट करेगी, ये हमारा अपने हाथ का नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट से यही मदद उम्मीद है कि भाई गवर्नमेंट हमें इसका समाधान निकाले और हमारे भाई को सकुशल हमारे घर लाने की प्रयास करें। मेवात क्षेत्र के कितने छात्र, लगभग 60 से 70 के आसपास मेवात के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। कोई कुछ बच्चे उसी स्कूल में है जहाँ मेरे भाई है, कुछ बच्चे किसी दूसरे संस्थानों में है, कुछ मेट्रो स्टेशनों में है, अलग अलग जगह पे जो जहाँ था वो उसी जगह फंसा हुआ है। किस तरह से फंसे हुए हैं? वहाँ पे जैसे अपना आने का फ्लाइट था, टिकट था, तो मेट्रो से आ रहे और ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन से एकदम उनको जब लगा के वहाँ ब्लास्ट हो गया है तो वहीं रुक गए। सगीर, मेरा नाम सगीर अहमद है जी। सगीर जी, आप यहाँ पे हैं और आपका भाई जो है वहाँ पे फंसा हुआ है, किस तरह से परिवार के लोग व्याकुल हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग सरकार से करते हैं? जी मेरा छोटा भाई है जी, सरकार से यही मांग है जी, जो मेरा भाई और वो और भी सारे भाई हैं मेरे जो हैं इंडिया के छोटे हैं और हमारे इंडिया का एक भविष्य है वहाँ पे, तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि ये सारे भाइयों और बहनों को हमारों को इंडिया लाया जाए और उनके लिए जो परेशानी हो रही है, उनके लिए पेट में कुछ भी नहीं है, यानी कि पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, बहुत त्रासे हुए हैं वो वहाँ पे। उन हालात अभी अपने भाई से बात किए वीडियो कॉलिंग में, उन्होंने बताया है कि भाई इतने बुरे हालात हैं कि तो चारों तरफ बमबारी हो रही है वहाँ पे, कुछ नहीं पता कब कुछ हो जाए हमारे लिए, कुछ नहीं पता, बस अपने सांस रोक के बैठे हैं वहाँ पे, थोड़ा अपना पानी पीने का भी बाहर जाने का डर लग रहा है, अंदर फिट हुए पड़े हैं हम। सरकार ने जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं जी, उनसे मदद तो मिल पा रही है मगर उनके लिए वहाँ मदद नहीं मिल रही है, वे उनसे मदद मांगते हैं, अपने जो राजदूत हैं उनसे कोई फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है उनका, उन्होंने हमारे लिए वीडियो कॉलिंग पे अभी ये बताया है कि कुछ मदद उनसे हमारे लिए नहीं मिल पा रही है फिलहाल। क्या चाहते हैं आप यहाँ की सरकार से? हम यहाँ की सरकार से यह चाहते हैं, हमारे सारे छोटे भाई हैं और भी हैं अपने इंडिया के कंट्री के, सारे भाई अपने अपने वतन लौट आएँ बढ़िया और सुविधा के साथ, यही चाहते हैं अपने गवर्नमेंट से कि इनको जल्द से जल्द यहाँ बुलाया जाए, कभी कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। माँ किस तरह से परेशान है, क्या चाहती है? जी हमारी माँ और पूरा परिवार पूरा बौखलाया पड़ा है जी, कुछ खाने वाने का कोई सिस्टम घर में अभी तक नहीं लगा है, चूल्हा भी नहीं से लग रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है जी, सारे उसमें बैठे हैं सदमे में, और जो हमारा पापा थोड़ा सा दिल का भी सिस्टम वैसा हुआ पड़ा है जी उसका, बस बुलाया जाए जी उसको, हमारे भाइयों को सबको ही बुलाया जाए, ये अपील हमारी गवर्नमेंट से। मेरा नाम खुर्शीद अहमद जी। खुर्शीद जी, आपका बेटा है, कब यहाँ से यूक्रेन गया था और वहाँ पे क्या कर रहा है, किस तरह से फंसा हुआ है, क्या चाहते हैं? करीब 3 महीने पहले गया जी वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए और अब वहाँ फंसा हुआ है। उनसे कोई बातचीत हो पाई है, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे? हाँ हालात ज़्यादा ख़राब है जी वहाँ। क्या बातचीत हो पाई? हाँ बातचीत ये हो पाई जी, खाने के लिए सामान नहीं है और डर का माहौल हुआ पड़ा बहुत ज़्यादा। तो क्या कोई निकालने के साधन? मैं सर जी सरकार से मदद चाहते हैं जी हम, सरकार उनको यहाँ लाए। सरकार ने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है मदद के लिए, क्या उनसे कोई संपर्क? उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। क्या मदद मिल पा रही है उनसे? उनसे कोई मदद नहीं मिल पा रही जी, हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार जितने भी बच्चे हैं इंडिया के सारे ने लाने की कोशिश करेगी।